उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्ते को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। औरैया जिले में पहुंची सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि मौर्य को अखिलेश यादव का बाजा बता डाला। इस दौरान वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा की बिथुना विधानसभा में पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीब घटना हुआ है, जहां एक युवक अपनी मंगेतर को ही पहला फुसला कर भगा ले गया। लड़की के पिता भी इस संबंध में अपने होने वाले दामाद के खिलाफ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक और लापता युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां स्वतंत्रता दिवस के देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, इसके बावजूद दो बदमाशों में पीतल के कारोबारी की सरेरा गोली मारकर हत्या कर दी। ये दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे। बता दें कि मृतक कारोबारी भाई की हत्या में पैरवी कर रहे थे। उन्हें 5 गोली लगी है, जिसमें से 3 गोली कमर पर लगी है। राहगीरों ने उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चोरी के शक के चलते पुलिस ने 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों युवकों को इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन पर जबरन चोरी की घटना कबूल करने का दबाव बना रहे थे। युवकों ने जब उनकी बात नहीं मानी तो पुलिसकर्मी ने रस्सी से बांध कर युवकों को बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरा मामला कन्नौज जिले के औसेर चौकी क्षेत्र का है। यहाँ 1 महीने पहले लहसुन की चोरी हुई थी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भोले की भक्ति में लीन एक भक्त ने शंकर जी को खुश करने के लिए अपना शीश कटाने की कोशिश की। 28 वर्षीय दीपक कुशवाहा लकड़ी काटने वाली कटर मशीन में अपना सिर डाल दिया। अपना सिर काट कर वह शिव को समर्पित करना चाहता था। कटर मशीन में सिर डालने के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह मशीन के अंदर से फंसे युवक को बाहर निकाला। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में है। ओम प्रकाश राजभर के करीबी नेता और सुभाषपा के प्रदेश सचिव अशोक यादव को पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। उनके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला टीचर के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले रास्ते में एक मकान का छत जब भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। मृतकों में 3 कानपुर के रहने वाले थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नंदनी नगर शैक्षिक संस्थान से तिरंगा यात्रा निकाली। अपने पैतृक आवास बिश्नोहरपुर के नवाबगंज के नंदनी नगर तक सांसद ने तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को संदेश दिया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में देशभक्ति और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस दौरान बीजेपी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को इस साल विशिष्ट पुलिस सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 2000 बैच की IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की दूसरी पुलिस आयुक्त हैं। यहां चार्ज संभालने के बाद लक्ष्मी सिंह ने संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम किया है।